आज का सेशन में हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे और कुछ रिसेंट एडवांस जो हुआ है, रिसेंट जो चीज है इसके बारे में। और इसको डिस्कस करने के बाद हम जितने भी मैंने पढ़ाया है उस सबको थोड़ा रिवाइज करेंगे, है ना। कुछ क्वेश्चन मैं पूछूंगा, आपको थोड़ा आंसर देना है। कि अभी हम जो एक्स्ट्रा कुछ 2026 में कुछ रिसेंट एडवांसमेंट जो है, सेकेंड इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना, एंड एग्जीबिशन क्वेश्चन आएगा। सेकेंड इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन कब हुआ था एंड कहाँ हुआ था, ठीक है। 2026 में जनवरी 13 से 15, है ना, कि जो 3 दिन ये एग्जीबिशन हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था, कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन आता है। इन दुबई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दुबई में ये चीजें हो रहा है, ये ऑडिबल हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस अब 2026 में क्या हुआ, सेकेंड इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2026 में हुआ, रिसेंटली जनवरी में हुआ है, दुबई में हुआ है। इसका जो थीम है वो क्वेश्चन आएंगे कि नॉन कम्युनिकेबल क्रॉनिक डिजीज प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट थ्रू आयुष, है ना। जो क्रॉनिक डिजीज है ना, जो क्रॉनिक डिजीज है उसको थ्रो थ्रो आयुष के थ्रो में कैसे मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन होगा, ये हमारा थीम था। ठीक है, इंटरनेशनली हर बहुत सारे देश जुड़े हुए थे इसमें, तो ये कॉन्फ्रेंस जो हुआ है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आयुष का कॉन्फ्रेंस है, हुआ था दुबई में। ठीक है, फिर ये मैंने एक बार ये पॉइंट को उठाया था कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ICD-11 में हमारा आयुर्वेद का जो डिजीज कुछ ऐड किया गया है, ठीक है, उसके बारे में। और क्या है, मॉड्यूल 2 में ये ऐड हुआ है, ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। ओके, नाउ इंट्रोड्यूस मॉड्यूल 2 में हमारे जो जितना आयुर्वेदिक डिजीज है उसको टर्मिनोलॉजी, उसके बारे में डिटेल्स बताया गया है, उसको क्लासिफिकेशन सब डिटेल्स उसमें। मॉड्यूल 2 ऑफ द सप्लीमेंट्री चैप्टर ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन कंडीशन अंडर द ICD-11, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा कि ट्रेडिशनल मेडिसिन ICD कितने में बनना है, ठीक है, 11 में बनना है। इसमें ICD, इसमें मेनली आयुर्वेद, ट्रेडिशनल सिस्टम में मेनली आयुर्वेद, सिद्ध एंड यूनानी का ही डाटा रखा जाता है उसमें ICD-11 में। ओके, मॉड्यूल 2 ICD-11, इट एनकम्पास मोर देन 500 कोड, ठीक है, 500 से ऊपर कोड इसमें है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कितना कोड है, 500 से ऊपर कोड है। इन्फेक्शियस डिजीज लाइक मलेरिया, लाइफ स्टाइल डिजीज लाइक क्रॉनिक इंसोमनिया आर ऑल्सो इंक्लूडेड, है ना। ये व्हिच ऑफ द लाइन करेक्ट, व्हिच ऑफ द फॉल्स, ये से लाइन आ सकता है कि इन्फेक्शियस डिजीज भी है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। मलेरिया वगैरह और लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर्स लाइक इंसोमनिया वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये जो ICD-11 में सारे ट्रेडिशनल मेडिसिन का डिजीज के बारे में इंक्लूड हुआ, इसके बारे में यहाँ ये इस दिन ये जो सारे मुंजा पारा जो है और सेक्रेटरी जो है राजेश कटेचा, ये सारे उनमें कॉन्फ्रेंस इसमें हुआ था, है ना, इंट्रोड्यूस हुआ था उस दिन। नीचे WHO के साथ कोलाबोरेशन हुआ, ये बहुत बड़ी बात है, ये सब क्वेश्चन आते हैं। फिर जैसे मैंने बताया था कि ग्लोबल आयुष समिट जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर जहाँ हुआ था वो इसमें गुजरात में, ठीक है ना, लेकिन इसके डिक्लेरेशन कब हुआ था, है ना, वो तो सबमिट हो गया, लेकिन फर्स्ट एवर ग्लोबल सबमिट डिक्लेरेशन ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन अभी 2023 में, वो तो 2022 में हुआ था, ठीक है ना, 2022 में अप्रैल 20 से 22, है ना, मैंने पिछले क्लास में इसको बताया था कि अप्रैल 20 से 22 जो है ग्लोबल आयुष सबमिट हुआ था, ठीक है, गुजरात में। तो उसको फर्स्ट एवर ग्लोबल सबमिट जो है ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, है ना, उसका डिक्लेरेशन हुआ है, ये 2023 में हुआ है, ठीक है, ये रिसेंटली हुआ है, इसका क्वेश्चन आएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा सब, 2022 लगा कर आ जाएंगे, लेकिन जो जो क्वेश्चन है कि ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन गुजरात डिक्लेरेशन, ठीक है ना,
फर्स्ट एवर ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन अगस्त 17 से 18 ये 2 दिन हुआ है। 2023 में भी होगा है ना, 2022 में हुआ था पहला स्टार्ट। तो और डिक्लेरेशन जो है फर्स्ट एवर डिक्लेरेशन वो है 2023 में, और 23 में जो सबमिट है वो अगस्त में हुआ था। इसे भी है ना, अगस्त का जो सेशन है वो मीन 2023 का जो सेशन है वो 2 अगस्त में 17 से 18 तारीख को हुआ है। वाज ऑर्गेनाइज बाई WHO एंड को होस्टेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इन गांधीनगर गुजरात में। ओके ये है जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेशन हेल्थ फॉर ऑल, इसका थीम है WHO का। तो WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल ग्लोबल समिट है ना, ये लिखा हुआ है 17 से 18 अगस्त 2023, क्योंकि थोड़ा पिक्टोरियल याद रखेंगे तो ज्यादा देर तक याद रहेगा ना। गांधीनगर गुजरात में ये हुआ है, कोलैबोरेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड WHO एडहेरेंस टू ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रेटेजी गाइड एफर्ट्स फॉर हेल्थियर वर्ल्ड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर आते हैं वॉक थ्रो, ये एक नया इवेंट हुआ है 2023 में अप्रैल 8 में, रिसेंटली ये हुआ है, इसमें पिछले साल हुआ है कि वॉक थ्रो C20 वर्किंग ग्रुप। ठीक है ना, C20 मीन्स 20 वर्किंग ग्रुप उसमें है। ठीक है ना, 20 वर्किंग ग्रुप है ऑन इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ है ना, इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ के लिए। इंटीग्रेटेड मीन्स मॉडर्न मेडिसिन के साथ आयुर्वेद कैसे उसको इंटीग्रेशन में कैसे आगे बढ़ेगा वो, इसके लिए 20 लोगों का एक वर्किंग ग्रुप है। ठीक है, इसके लिए इसका नाम है C20 वर्किंग ग्रुप ऑन इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। ठीक है, क्वेश्चन आएंगे कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज हुआ है, C20 क्या है ना, तो किसके ऊपर है। ठीक है, इंटीग्रेटेड होलिस्टिक साइंस हेल्थ के ऊपर कब हुआ था, ऑन अप्रैल 8 2023 में है ना, किसके द्वारा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ऑर्गेनाइज वॉक थ्रू फॉर C20 वर्किंग ग्रुप इंटीग्रेटेड। ये है उनका थोड़ा पिक्चर है, इसमें लिखा है 20 डेलीगेट्स, 20 ग्रुप वर्किंग ग्रुप जो काम करेंगे इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ के ऊपर। फिर नेशनल आयुष मिशन के कुछ नया प्रोग्राम प्रोजेक्ट जो है, एक है बायो बायोमित्रा। ओके बायोमित्रा, ठीक है, बायोमित्रा अलग है। बायोमित्रा तो वो फर्स्ट ह्यूमन रोबोटिक जो है वो ह्यूमनॉइड रोबोट है ना, फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट, स्पेस ह्यूमनॉइड रोबोट जो है वो बायोमित्रा, लेकिन यहाँ है बायोमित्रा। बायो मीन वायु से ऐसे करके याद रख लो, बायोमित्रा बायो बाय मीन्स वायु से याद रख लो। वायु बढ़ेगा तो क्या होगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह मस्कुलोस्केलेटल डिजॉर्डर वगैरह हो जाते हैं, है ना। आयुष बेस्ड जेरियाट्रिक प्रोग्राम है ना, बायोमित्रा क्या है, आयुष बेस्ड जेरियाट्रिक, बायो से मीन्स वृद्धावस्था के बारे में वो सोचकर जेरियाट्रिक प्रोग्राम है ये। प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ जेरियाट्रिक में क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, मेनली ऑस्टियोआर्थराइटिस और अदर मस्कुलर डिजॉर्डर वगैरह होते हैं, तो बायोमित्रा जो है वो मेनली डील करता है जेरियाट्रिक कंडीशन को। ठीक है, मेनली ऑस्टियोआर्थराइटिस और मस्कुलोस्केलेटल डिजॉर्डर, ये क्वेश्चन आपको जरूर आएंगे, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखने चाहिए। ठीक है, रिसेंटली मीन्स बायो वायु बढ़ेगा तो संधिवात वगैरह होगा, मतलब बोन के डिजॉर्डर आएंगे। रिसेंटली द रीजनल रिव्यू मीटिंग है ना, एक हुआ था नेशनल NAM नेशनल आयुष मिशन का एक रीजनल रिव्यू मीटिंग हुआ था, उसमें क्या क्या इनाग्रेशन हुआ वो चीज़ें आपको याद होना चाहिए। एट द मीटिंग फॉलोइंग रोबिस्ट प्रोग्राम ऑफ आयुष वर हाईलाइटेड, क्या क्या प्रोग्राम है, एक आयुर्विद्या, ठीक है ना, आयुर्विद्या प्रमोशन ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल थ्रू आयुष फॉर स्कूल चिल्ड्रन, जैसे क्या है स्कूल में बस योगा वगैरह सिखाते हैं, उसके साथ इस आयुर्विद्या क्या है, उसके साथ योगा के साथ साथ क्या लाइफस्टाइल कैसे जीना चाहिए आयुष के गाइडलाइन के अनुसार, बच्चे कैसे लाइफस्टाइल जीना चाहिए बच्चों को,
तो उसके बारे में बताया गया है, इसको आयुर्विद्या। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं कि आएगा कि आयुर्विद्या जो है किसके रिलेटेड है ना, मीन्स हेल्दी लाइफस्टाइल रिलेटेड टू, मीन्स जेरियाट्रिक कंडीशन, हेल्दी लाइफस्टाइल रिलेटेड टू स्कूल अडल्ट के लिए, ये सारे आएंगे। स्कूल चिल्ड्रन के लिए यह है आयुर्विद्या। ठीक है, तो आते हैं सुप्रजा। सुप्रजा क्या है? आयुष फॉर मटरनल नियोनटल इंटरवेंशन। सुप्रजा, प्रजाता से हम याद रख सकते हैं, नियोनटल इंटर मटरनल एंड नियोनटल इंटरवेंशन के लिए, जो आयुष का क्या इंटरवेंशन है उसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, तो ये चीजें को हम इसको इसमें साइड में देख सकते हैं, इसमें भी है। देखो इसमें आयुष मिनिस्टर साइट में आपको शो हो रहा होगा, आयुष मिनिस्टर एम्फासाइज द स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम ऑन आयुर्विद्या, सुप्रजा एंड बायोमित्रा फॉर ए हेल्थियर सोसाइटी। इसके बारे में ये है, पिक्टोरियल व्यू देखेंगे तो याद रहेगा ज्यादा। ये है रीजनल रिव्यू 2023 का हुआ है ना, इसमें क्या क्या हुआ है, इसको ऑर्गेनाइज सर्वानंद सोनोवाल एम्फसाइज द रिच हेरिटेज एंड पोटेंशियल ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, इस तरह करके से लिखा हुआ है। देखो क्या क्या हुआ है, देखो एक आयुर्विद्या, सुप्रजा, बायोमित्रा, ठीक है ना, और प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मस्कुलोस्केलेटल डिजायर, ये भी एक पॉइंट है आपको याद रखना है, वो बायोमित्रा के अंदर में आ सकता है। इसका अलग पॉइंट भी याद रखो कि आयुर्विद्या, सुप्रजा एंड बायोमित्रा एंड प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मस्कुलोस्केलेटल डिजायर, ये चार चीजें के ऊपर हाईलाइट किया गया है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉगरेटेड टू सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और 25 फरवरी 2024। ठीक है, क्या 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 है, टू सिग्निफिकेंट स्टेप क्या लिए हैं, प्रोजेक्ट क्या है, कब हुआ था ये, रिसेंट 2024 के रिसेंटली फरवरी में हुआ है, 25 फरवरी को हुआ है, ये याद होना चाहिए आपको। 25 फरवरी 2024 को दो चीजें आया, एक तो निसर्ग ग्राम, ठीक है, निसर्ग ग्राम, और एक सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी, ये हुआ है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ट्रिपल स्टार करके याद रखो ये चीजों को, ये झरझर हरियाणा में आएंगे, है ना, बहुत चांस है ये क्वेश्चन आने की। झरझर हरियाणा में सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी, है ना, ठीक है, ओनली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी आएगा तो, सॉरी सॉरी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा आएगा तो कहाँ है बताओ, ऑलरेडी हम अब पढ़ चुके हैं, अब बता सकते हो। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा कहाँ है, मोरारजी देसाई जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा जो है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, उसी तरह का इसमें क्वेश्चन आएगा कि सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट आएगा और योगा नेचुरोपैथी इन झरझर हरियाणा में है। ठीक है, फिर आते हैं नंबर वन में क्या हुआ, निसर्ग ग्राम, ग्राम मीन्स गाँव, है ना, गाँव में जैसे नेचुरल चीजें ज्यादा होते हैं तो उसको ऐसे याद रख लो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, है ना, कहाँ है, पुणे महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया गया निसर्ग ग्राम। ठीक है, इसके बारे में दो पॉइंट है, कुछ याद रखो, निसर्ग ग्राम कहाँ हुआ है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, क्योंकि ग्राम, ग्राम मीन्स गाँव, गाँव में नेचुरल चीजें ज्यादा होते हैं तो इसके नेचुरोपैथी रिलेटेड है, निसर्ग ग्राम, ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में है, और नया इंस्टीट्यूट है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा नेचुरोपैथी, झरझर हरियाणा में हुआ है,
और हरियाणा में एक जो NIA का जो NIA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद पंचकुला है ना, ये भी हरियाणा में है, आपको ध्यान देना दो चीजें। ओके, पद्मश्री अवार्ड क्या क्या मिला है 2024 में, रिसेंटली अवार्ड क्या क्या मिला है वो है, पद्मश्री अवार्ड किसको मिला है, मीन्स जो आयुर्वेद के फील्ड में किसको किसको क्या मिला है वो हम पढ़ेंगे। पद्मश्री फॉर मिस चार्लोट चौपिन, ठीक है, फ्रॉम फ्रांस फॉर योगा है ना, मिस चार्लोट चौपिन जो है चार्लोट चौपिन योगा टीचर जो है ये है, ठीक है, ये है चार्लोट चौपिन योगा टीचर, ये इनको मिला है, देखो ये चार्लोट चौपिन योगा टीचर 101 ईयर ओल्ड फ्रेंच योगा टीचर हु गॉट पद्मश्री, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा ये पद्मश्री अवार्ड इनको मिला है, तो ये चीजें याद होना चाहिए, ठीक है, ये रिसेंटली योगा के ऊपर। और मैंने एक चीज बताया था ओल्डेस्ट योगा टीचर, ठीक है ना, भी अन्नामलई जो है मैंने बताया था पिछले क्लास में, तो ये आपको याद होना चाहिए चीजें। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये फ्रांस है वो भी याद रखना। नेक्स्ट पद्मश्री अवार्ड श्री मनोहर कृष्ण दोले, ठीक है, फ्रॉम महाराष्ट्र से हैं ये, और मेडिसिन के लिए है, मीन्स हेल्थ केयर इन रूरल एरिया में ये ज़्यादा काम करते थे, और मेडिसिन के लिए ये उनको पद्मश्री अवार्ड मिला है, ठीक है, मनोहर कृष्ण दोले। प्रेसिडेंट कंफर्म भी पद्म भूषण सही ये नहीं है, ये है डॉक्टर मनोहर कृष्ण दौले द एंड डॉक्टर जाहिर इसक काजी कंफर्म विद पद्मश्री, ये जो है ये व्यक्ति है मोहम्मद मनोहर कृष्ण दौले, ठीक है, मेडिसिन के लिए ये इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है, ठीक है, ये चीजें आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट चीजें हैं डॉक्टर दयाल परमार राजकोट गुजरात, ठीक है, ये इनके बारे में आपको जानना भी चाहिए, डॉक्टर दयाल परमार जो है ये उनको पद्मश्री मिला है, ये क्या है, ये इनका एक क्वालिफिकेशन भी है, देखो डॉक्टर दयाल एम पारमार, ठीक है, इनका पॉपुलर नाम है दयाल मुनि जी, ठीक है, दयाल मुनि जी है ना, ये वो ये एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है, संस्कृत स्कॉलर है, प्रोफेसर ऑथर ये सब कुछ है, इनको न्यूमरस अवार्ड मिला है ना, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम राजा युगन में मिला है, गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में वो काम करते थे ना, ये वो तो ये है, इनको ये मिला है, ये आपको कहना चाहिए। ओके, इट्स ए संस्कृत टीचर डॉक्टर प्रोफेसर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन वेद भाष्यकर, आयुर्वेद मेडिसिन वेद भाष्यकर में प्रोफेसर है ये डॉक्टर दयाल पार राजकोट गुजरात में है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि रिसेंटली ये रिसेंटली हुआ है, एक दो दिन पहले ही हुआ है ये, न्यू मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो है, न्यू मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हुए हैं प्रताप राव गणपत राव यादव जो है, मुंजापरा जो थे वो
उसके बदले में प्रताप राव गणपत राव यादव टेक द चार्ज ऑफ MOS मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ आयुष मिनिस्ट्री, आयुष मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो है वो है प्रताप राव गणपत राव यादव, तो ये चीजें आपको याद होना चाहिए। ये हैं प्रताप गणपत राव यादव, पिक्चर के साथ आपको याद होना चाहिए चीजें। ओके, टू चार्ज ऑन यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ओके। तो अब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हमने पढ़े हैं उसके बारे में आपको बताना है। इसमें शायद मुझे ऑडियो ऑन करना पड़ेगा शायद। ये ऑडियो आप ऑन कर पा रहे हैं? ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप बताने के लिए ट्राई करना। जैसे कि ट्रेडिशनल मेडिसिन, ठीक है ना, ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो WHO जो GCT WHO GCTM जो हुआ है वो, उसका थीम क्या था, कब हुआ था, फाउंडेशन स्टोन कब कब हुआ था? ओके, वो तो अपलोड हो जाएगा, लेकिन उससे पहले जो हमने पढ़े हैं वो, उसके बारे में आप बताओ थोड़ा, जैसे कि क्या क्या पढ़े हो, किस में क्या दिक्कत हो रहा है, आप बताओ, उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे कि, है ना। जैसे पोषण अभियान किसके किसके बीच में हुआ है, पोषण अभियान का किसके किसके MOU जो हुआ है किसके बीच में हुआ है? मैं पूछ रहा हूँ कि कुछ याद रह रहा है या कुछ ऐसे कुछ दिक्कत हो रहा है, तो मीन्स किस में याद हो रहा है, कुछ पढ़े हो आप? ठीक है, एक बार तो रिवाइज कर देते हैं, मैं भी बता देता हूँ पूरा स्टार्टिंग से। आयुष जी के पढ़ने से पहले पहला कुछ हिस्ट्री होना चाहिए, मीन्स जो आयुष मिनिस्ट्री का कुछ हिस्ट्री हमको पता होना चाहिए, कैसे स्टार्ट हुआ पहले पहले भारतीय चिकित्सा परिषद की स्थापना हुआ था, ठीक है ना, ये चीजें पहले आपको याद रखना है 1926 में, ठीक है। फिर उसके बाद केंद्रीय आयुर्वेद एंड सिद्ध अनुसंधान परिषद की स्थापना, ठीक है, मैं इसको शेयर कर रहा हूँ। ये चीजें आपको जल्दी जल्दी में उसको इसको रिवाइज कर लेते हैं पूरा का पूरा। केंद्रीय आयुर्वेद एंड सिद्ध अनुसंधान परिषद की स्थापना हुआ था 1959 में, ओके। उसके 10 साल के बाद क्या हुआ, आयुर्वेद एंड सिद्धता उसके बदले में चेंज क्या हुआ, आयुर्वेद एंड होम्योपैथी अनुसंधान परिषद स्थापना हुआ 1969 में, ठीक है। फिर भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद, ठीक है ना, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद जो है न्यू दिल्ली की स्थापना हुआ है 1971, है ना। 71 में बहुत इम्पोर्टेंट ईयर है, बहुत सारे हुआ है इसमें, ईयर में बहुत सारी चीज़ें हुआ है।
डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी ISMH जो है पहले फॉर्म हुआ था, कब हुआ था 1995 में, ठीक है। इसका रीनेम हुआ है, इट वॉज रीनेम इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद योगा नेचुरोपैथी नवंबर 2003 में इसका रीनेम हुआ है, ठीक है ना, ऐसे करके लिखा हुआ था, इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद योगा नेचुरोपैथी, है ना। फिर वॉज फोकस्ड ऑन किसके एजुकेशन रिसर्च ऊपर, आयुर्वेद योगा नेचुरोपैथी यूनानी सिद्ध होम्योपैथी इन सब का रिसर्च के ऊपर ये इंस्टीट्यूट फोकस कर रहा था। 2014 में क्या हुआ, जब नरेंद्र मोदी की सरकार आया तो उसको स्पेशल आयुष मिनिस्ट्री बना, ओके। आयुष फाइंड ए इंग्लिश लैंग्वेज, ये डेफिनेशन पूरा अच्छे से याद होना चाहिए कि ट्रेडिशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर एंड हीलिंग विच इंक्लूड आयुर्वेदा योगा नेचुरोपैथी, ये सभी सिद्ध एंड सोवारिक भी इंक्लूड है, वो चीज़ें भी आपको याद रखना है। हिंदी में उसको पढ़ेंगे तो आयुष का मीनिंग क्या है कि पारंपरिक एंड गैर एलोपैथिक स्वास्थ्य परिचर्या, ओके, एंड उपचार पद्धति जिसमें आयुर्वेद प्रयोग वगैरह वो सभी होते हैं। कुछ नेशनल इंस्टीट्यूट आपको याद होना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूट आयुर्वेदा जयपुर, है ना, क्योंकि मैंने बताया था कि आँख सबके सब पीजी कर रहे हैं, उसके सबके आँख कहाँ है कि NI में पीजी करेंगे, तो आँख अधिकतर रोग 76 सभी ऐसे करके बताया। अष्टांग योग से हम याद रखें 1980, ठीक है, मोरारजी देसाई, ये दिल्ली में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी अभी बढ़कर आए हैं पुणे महाराष्ट्र में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, ठीक है, जैसे 1986 में ये है, ठीक है। मीन्स 8 से 6 बजे तक नेचुरोपैथी का क्लास कब, क्लिनिक कब से कब है, 8 से 6 बजे तक, है ना। फिर सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस तरह का मैं हर चीज़ में कुछ ना कुछ लिंक बता कर गया हूँ ताकि आपको याद रहे। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी कहाँ है, हैदराबाद में 1971 में, ये भी इंपॉर्टेंट ईयर 1971, यूनानी में अभी इसका हुआ है प्रतिष्ठा, है ना, इस ईयर में हुआ है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन कहाँ है, बेंगलुरु में, है ना। रिसर्च इंस्टीट्यूट अलग है, क्वेश्चन आएगा तो हैदराबाद में, नेशनल इंस्टीट्यूट आएगा तो बेंगलुरु में। जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ, जैसे अभी पढ़कर आए हैं योगा नेचुरोपैथी जो है जरहर हरियाणा, तो ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ है, देखो सिद्ध का नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ है, चेन्नई में, चेन्नई में बहुत सिद्ध का, है ना, सिद्ध किया गया है ना। जैसे 2005 में, जैसे 5 साल में हम सिद्ध हो जाते हैं BMS करके, तो उसी को सिद्ध, है ना, कहाँ है, फिर चैन चला जाता है, ठीक है ना, फिर चैन चला जाता है, मीन्स प्रैक्टिस प्रैक्टिस में बिजी हो जाते हैं, हमारा चैन चला जाता है चेन्नई 2005 में, 5 साल में सिद्ध होता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्ध जो है 2005 में हुआ है और चेन्नई में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवारिक पकाए लेह लद्दाख में 2020 में ये हुआ है ना, रिसेंटली हुआ है। फिर NISR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी एंड जो है कलकत्ता में है, वो चीज़ आपको 1975 में, ये है ना, जैसे आज़ादी का अमृत महोत्सव 19 है ना, 75 साल की सेलिब्रेट किया गया है, वो चीज़ें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, वो इस तरह का याद रख लो 1975। और एक इम्पोर्टेंट मैंने बताया था, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पंचकर्मा जो है वो क्वेश्चन आते हैं, चेरुथुरुती केरला कब हुआ था 1971, ठीक है, इंपॉर्टेंट ईयर 1971। रिसर्च इंस्टीट्यूट भी यूनानी का, वो भी 1971, और रिसर्च इंस्टीट्यूट पंचकर्म का, वो भी 1971, ठीक है, ये हैदराबाद में हुआ है, ये केरला में हुआ है। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो जामनगर में जो है नया कब एस्टेब्लिश हुआ था 1967। NIA कब हुआ था 76, उसको 76 को उल्टा कर देंगे तो 67 हो जाएगा, ठीक इसको जामनगर को क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, एंड ये जो जयपुर में जो है उसको NIA को जो है उसको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, ये नया दर्जा मिला है, वो आपको याद होना चाहिए। RAB का एस्टेब्लिश कब हुआ था, जब नेशनल जो अष्टांग आयुर्वेद मोरारजी देसाई योगा जब एस्टेब्लिश हुआ था तब RAB भी हुआ था न्यू दिल्ली में, दोनों चीज़ें न्यू दिल्ली में एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। रेड क्रॉस में दो क्रॉस करेंगे तो दो चीज़ें आएंगे, दो क्रॉस चिन्ह ऐसे करके आएंगे, तो इसलिए इसका, तो इसलिए इसको 2 लिखा है 1920, 2 से मीन दो चीज़ें क्रॉस हो रहे हैं, ओके।
आते हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन जो है पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में ही आपको याद होना चाहिए। सोवा रिपका रिपका के बारे में मैंने बताया था कि क्या है, इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, उसके फादर ये कौन है, फादर कौन है इसकी, अष्टांग हृदय की को फॉलो किए हैं इसमें, और इसमें भारतीय लैंग्वेज में इसमें वर्णन है। ओके, ये आपको याद होना चाहिए। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी जो है लेह में है, लेह लद्दाख में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी मीन्स ये जो है सोवा रिगपा का क्या क्या इंस्टीट्यूट है। नंबर वन में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी लेह में है, तिब्बतियन मेडिकल एंड एस्ट्रोलॉजिकल स्टडी धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है, एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तिब्बतियन स्टडी मीन्स तिब्बत का ये ट्रेडिशनल मेडिसिन है, तिब्बतियन लोग इनको प्रैक्टिस करते हैं इसलिए ये ठीक है। तो हमने कुछ डे याद किए थे, जैसे यूनानी डे, यूनियन कब होता है जब एक एक मिलता है ना, एक एक मिलेंगे तो दो होंगे, एक एक मिलेगा दो, दो से सेकेंड महीना फेब्रुआरी, इस तरह का मैंने बताया था। वर्ल्ड हेल्थ डे बताया सबको, वर्ल्ड होम्योपैथी डे में 10 10 गोली 4 बार लेंगे तो भी फीवर ठीक हो, तो फीवर ठीक होगा ना। इंटरनेशनल डे भी होगा सबको पता है, नेशनल सोवा रिगपा डे जो है 11 सितंबर है ना 2026 को सेलिब्रेट किया गया। 11 सितंबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल आयुर्वेद डे है ना, ये 2026 का जो नेशनल आयुर्वेद डे है वो 29 अक्टूबर को वो आ रहा है ना, 29 अक्टूबर को आ रहा है, आपको याद होना चाहिए, उसका थीम भी याद होना चाहिए, मैंने बताया था। आगे जाकर पढ़ेंगे नेशनल नेचुरोपैथी डे ठीक है ना, 18 नवंबर ठीक है, जब 18 साल का हो जाएंगे तो नेचुरल चीज़ें लेना चाहिए तो में है ना, नवंबर का ये। नेशनल सिद्ध डे क्या है, 23 दिसंबर ठीक है ना, योग के अनुसार जो सिद्ध योगी जो है, योगी के गुण कितना है 23 ठीक है ना, सिद्ध व्यक्ति या योगी का गुण जो है वो 23 और दिसंबर जो है। फिर मिनिस्टर को आयुष के बारे में बताया था कि क्या क्या कब हुआ था 2024 9 नवंबर को है ना, आयुष मिनिस्टर कौन है, सर्वानंद सोनोवाल जो थे है ना। लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या जो आयु आयुष के अंदर चल रहा है, जैसे सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जैसे सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर आयुर्वेदिक साइंस CERS CCRS, सॉरी इसको गलत प्रिंटिंग हो गया, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन योगा नेचुरोपैथी में CCRYN, ये आपको फुल फॉर्म भी आ सकते हैं, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन कोरम ठीक है, CCROM सॉरी, और सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्ध CCRS, सेंट्रल काउंसिल रिसर्च इन होम्योपैथी CCRH, ये सभी इंस्टीट्यूट हैं, और जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट वो सभी इनमें आते हैं। NCISM वो भी आयुष मिनिस्टर के अंदर आते हैं, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी है ना, और लेबोरेटरी जो है मैंने बताया था फार्माकोपिया कमीशन ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी, ये PCI में है, ये सारे मिनिस्टर आयुष के अंडर में आते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट सब पता है कि क्या क्या इंस्टीट्यूट है, मैंने बता कराया अभी। ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का है इंडियन मेडिसिनल फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन IMPCL, ये आपको याद होना चाहिए ठीक है, जो सारे मेडिसिन जो दवाई जो सारे गवर्नमेंट सप्लाई जो है वो उसको जो उसके ऊपर लिखा जाता है IMPCL, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन ठीक है, ये सारे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के। ये स्कीम क्या है, जैसे सेंट्रल सेक्टर स्कीम चल रहा है, नाम चल रहा है नेशनल आयुष मिशन चल रहा है ना, ये सब आयुष मिनिस्टर के अंदर। अवार्ड स्कीम फॉर CCROM है ना, यूनानी मेडिसिन के लिए आयुष सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बना रहे हैं प्रोग्राम है ना, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कर रहे हैं। स्कीम क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जनरल स्कीम फॉर एक्विजिशन कैटलॉगिंग है ना, ये डिजिटलाइजेशन पब्लिकेशन ऑफ टेक्स्ट बुक मैन्युस्क्रिप्ट, ये सभी चल रहा है। मेन कंपोनेंट ऑफ आयुष स्वस्थ योजना, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, आयुष स्वस्थ योजना ये रिसेंटली, ये ज़्यादा पुराना नहीं है, आप क्वेश्चन आ सकते हैं। टू प्रमोट आयुष एंड पब्लिक हेल्थ है ना, टू प्रमोट आयुष इंटरवेंशन एंड कम्युनिटी हेल्थ केयर, ये सब लाइन देकर आपको पूछेगा कि कौन सा लाइन नहीं है ठीक है, आपको बस याद एक बार रीड करना है उसको, एक आइडिया बनाना होगा। टू सपोर्ट द इम्प्लीमेंटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 थ्रू आयुष सिस्टम, स्पोर्ट्स मेडिसिन में क्या आयुष का ये है, अपग्रेडेशन ऑफ फैसिलिटी टू सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो आयुर्ज्ञान स्कीम,
कैपेसिटी बिल्डिंग, कंटिन्यूअल मेडिकल एजुकेशन, ये सभी आपको आयुर्ज्ञान स्कीम जो क्या है वो भी क्वेश्चन आएंगे। क्या है ये? कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन, आयुर्ज्ञान, रिसर्च एंड इनोवेशन इन आयुष, ठीक है, जैसे एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च थी, मैंने इसके बारे में बताया था, थीम भी बताया था ना, एक्स्ट्रा म्यूरल जो प्रोन एरिया में, जो डिजी स्पेसिफिक डिजीज प्रोन एरिया में आयुष का क्या इफेक्ट है, आयुष प्रोडक्ट का इसका क्या इफेक्ट है, उसके बारे में जो रिसर्च होते हैं एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च बोलते हैं उसको, EMR, ठीक है। IEC बताया था, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन के बारे में, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ये सारी चीज़ें आयुष के अंडर में चल रहा है। ऑगस्टी मैंने बताया था कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ऑगमेंटिंग द क्वालिटी ऑफ आयुष ड्रग, अभी रिसेंटली हम पढ़े हैं पिछले क्लास में, सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर योगा ट्रेनिंग, फॉर पुलिस पर्सनल चैंपियनशिप सेक्टर स्कीम है ना, आयुष मिनिस्ट्री लॉन्च 5 पोर्टल, ये आपको याद होना चाहिए। एक तो CTRI, मैंने वो साइट में दिखाया था CTRI क्या है ना, CCRS है ना, रिसर्च मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, सॉरी रिसर्च RMIS है ना, रिसर्च मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ई मेधा, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल, MED फॉर मेडिकल, एस फॉर हेरिटेज, ए फॉर SS पोर्टल, ई मेधा पोर्टल, अमर आयुष मैनुस्क्रिप्ट एडवांस रिपोजिटरी पोर्टल, साई क्या है, शोक है सब, आयुर्वेद हिस्टोरिकल इम्प्रिंट पोर्टल, इसको आप ये नाम से आपको पता होना हो जाएगा, आयुष मैनुस्क्रिप्ट को जो एडवांस रिपोजिटरी, आयुष मैनुस्क्रिप्ट मैनुस्क्रिप्ट को जो ध्यान रखता है उसको प्रिजर्वेशन में, उसको सब कुछ है वो अमर में होता है। हिस्टोरिकल इम्प्रिंट है ना, सपोज कुछ ऐसे यंत्र वगैरह मिल गया उसको रखने के लिए, शोकेस करने के लिए है साई है ना, रिसर्च मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए RIMS, CTRI कुछ रिसर्च प्रपोजल को रजिस्टर करना पड़ता है वो CTRI में, ये मैंने बताया था। ई मेधा, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिकली जो मेडिकल हेरिटेज है उसको कैसे एसेस किया जा सकता है, डिजिटली कैसे एसेस किया जाता है उसके बारे में, तो ये सभी। और आयुष संजीवनी ऐप के बारे में बताया था कि इसका थर्ड वर्सन आया है ना, जो उसमें पहले आयुष संजीवनी COVID-19 के वक्त उसको रिलीज किया गया था, उसमें सारे डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग एफिकेसी ऑफ आयुष इंटरवेंशन के बारे में था, जैसे आयुष 64 की एफिकेसी, आयुष 64 के डोज वगैरह वो सभी कैसे लेना है, क्या है लेना है, कवासुर पुदीनीर मेडिसिन ये भी पता है इसमें, NMPP जो प्लांट बोर्ड है वो क्या करता है, मेनली क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है, कल्टीवेशन ऑफ रेयर मेडिसिनल प्लांट एंड मार्केट लिंकेज, ये तीन चीज़ें NMPP का जो है फॉलो करता है, ये तीन चीज़ें काम करता है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आएगा। प्रधानमंत्री वृक्ष योजना, ये आपको याद रखना चाहिए कि इसमें वृक्ष योजना में जैसे मेडिसिनल प्लांट का कल्टीवेशन होता है, पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ये सभी चीज़ें इसमें डील होता है। रिसर्च इंस्टीट्यूट में हमने पढ़े हैं इसको, PCIMLS के बारे में सब पता है, ये है 2014 में इसको, पहले तो था PCIM, फार्माकोपिया कमीशन ऑफ इंडियन मेडिसिन, 2010 में ये बनाया गया था, 2014 में जब आयुष मिनिस्टर बना तो इसको भी नया ट्रांसफॉर्मेशन किया गया, फार्माकोपिया कमीशन ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी PCIMLS। आयुष रिसर्च पोर्टल के बारे में उन्होंने बताया कि धारा एक होता है, धारा का तीन इंस्टीट्यूट मिलकर धारा को संभालते हैं, धारा जो है वो ऑनलाइन इंडेक्सिंग सर्विस, जैसे सपोज कुछ आर्टिकल वगैरह रिसर्च आर्टिकल वगैरह पब्लिकेशन करना हो तो धारा में हम पब्लिक कर सकते हैं, पब्लिश जो है फर्स्ट कॉम्प्रहेंसिव ऑनलाइन इंडेक्सिंग, ये फर्स्ट कॉम्प्रहेंसिव ऑनलाइन, ये भी क्वेश्चन है क्या, किसने जो है, एक तो CCRS एंड जो ABP फार्मेसी जो है आयुर्वेदिक ट्रस्ट कॉम्बाइटर में वो, एंड स्विस आयुर्वेद मेडिकल अकेडमी सामा स्विट्जरलैंड, ये तीनों मिलकर कर रहे हैं, ये आपको क्वेश्चन आएंगे। आयुर्वेद ग्रंथ समुच्चय, ये भी ये 2014 में ये भी हुआ है ना, सारे जो बुक का एक कॉम्पेडिया बना गया है, इसमें
आयुष ग्रिड मैंने बताया था कि ये डिजिटलाइज कर रहा है सारी चीजों को। नेशनल एनसीएसएम के बारे में 2020 में, ये एनसीएसएम एक्ट पब्लिक, एनसीएसएम एक्ट कब हुआ था 2020 में, ठीक है। ये क्वेश्चन है, प्राणवायु सर प्राणायाम नाम था पहले जो इसका, ये अब चेंज हो गया है, अब हो गया है चिकित्सा सर्वलोकन में से करके बताया गया है, इसका दिखाया था वो साइट में। बोर्ड ऑफ आयुर्वेद इसके अंदर ऑटोनोमस बॉडी अंडर एनसीएसएम अंदर में क्या क्या बोर्ड आते हैं और क्या क्या ऑफिस में क्या क्या मेंबर रहते हैं, ये सभी इसमें बताया गया है। गोल्डन ट्रायंगल क्या है, आयुष आयुष सर आईसीएमआर गए थे, ये तीन चीजें कैसे रख दो याद। आयुष सर, सर से CSIR इसको सर ही पढ़ेंगे, आयुष सर आईसीएमआर गए थे, है ना। ये तीन चीजें आपको गोल्डन ट्रायंगल याद रखोगे। फिर इट्रा के बारे में बताया था कि कब हुआ था, कैसे हुआ था, इसका अचीवमेंट क्या क्या है। द फर्स्ट एंड द ओनली पीजी सेंटर इन आयुर्वेद हैविंग इंडिपेंडेंट फार्माकोलॉजी लैबोरेटरीज में, इसे कुछ पिकुलियर पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। आरए भी जो डायरेक्टर कौन है, डॉक्टर वंदना सिरोहा का, ये इसके बारे में बताया था। आयुर्वेद ट्रेनिंग एक्रीडेशन बोर्ड ATAB, ये जो है बोर्ड, ये क्या करता है, ये एक सर्टिफिकेशन देता है, एक्रीडेशन देता है कि जो आरआरबी में पढ़े हैं, पढ़ने के बाद जो ट्रेनिंग लिए हैं, ट्रेनिंग करने के बाद सर्टिफिकेशन जो है वो ये करता है, आयुर्वेद ट्रेनिंग एक्रीडेशन बोर्ड। ओके, आरआरबी क्या क्या वेब सीरीज किया था, ज्ञान गंगा, ये क्वेश्चन आएंगे, ज्ञान गंगा एंड नॉलेज वॉयज। ओके, एवरी थर्सडे को ये होता है ये वेब सीरीज। कोर्स किस क्या क्या कोर्स इसमें है, नेशनल जो आयुर्वेद के बारे में बताया, पढ़े थे हमने आयु 64 के बारे में पढ़े थे कि क्या क्या इंग्रेडिएंट है ना, जैसे सप्तपर्ण है ना, कुटकी, चिरेता एंड कीरातिक, ये चार चीजें हैं आयु 64 में। ऑर्फन ड्रॉप क्या है, जो मीन्स एक क्वेश्चन के हिसाब से मैंने बताया था कि इट इज ए फार्मास्यूटिकल एजेंट डेवलप्ड टू ट्रीट मेडिकल कंसर्न व्हिच इज सो रेयर, मीन जैसे ड्रग जो है जो हर कोई कंपनी, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी नहीं बना पाते हैं, है ना। कुछ ऐसे स्पेसिफिक ड्रग है जो स्पेसिफिक फार्मास्यूटिकल ही बनाएंगे उसको, फर्स्ट जो है, और ऑर्फन ड्रग ये क्वेश्चन आएगा, हेमाटिन, हेमाटिन है फर्स्ट ऑर्फन ड्रग, किसके ऊपर है ये, पोरफाइरिया में ये हेमाटिन दिया जाता है, वो है फर्स्ट ऑर्फन ड्रग। फार्माकोविजिलेंस का मीनिंग क्या है, इसे साइंस जो कलेक्शन डिटेक्शन एंड असेसमेंट मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट के ऊपर जो देखते हैं, है ना, फार्माकोविजिलेंस। पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट इन इंडिया में जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ साइंस इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज है ना, NICD न्यू दिल्ली में, लेप्रोसी ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट चंगलपट्टू, वो क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑक्यूपेशनल हेल्थ के लिए अहमदाबाद, क्योंकि वो काम करने के लिए जाते हैं गुजरात ज़्यादा, अहमदाबाद, इस तरह का जो इंस्टीट्यूट आपको याद होना चाहिए सब कुछ। नेशनल आयुष मिशन में तीन चीज़ें हैं, ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव आयुर्वेद सर्विस, टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू एजुकेशनल सिस्टम, टू फैसिलिट द एनफोर्समेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल आयुर्वेद एंड यूनानी एंड होम्योपैथी। नेशनल योगा डे है ना, ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है जून 21 को, क्योंकि ये लार्जेस्ट डे है। सभी थीम के साथ मैंने बताया था कि कौन से ईयर में क्या थीम है। ये नमस्ते पोर्टल जो है, ये देखो इसमें ना, ये पोर्टल प्रोवाइड स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी एंड नेशनल मॉर्बिडिटी कोड ऑफ आयुर्वेद सी द यूनियन सिस्टम एंड WHO ICD-10 एंड 11, मेनली 11। ओके, 11 का क्वेश्चन आएंगे। नमस्ते पोर्टल कब हुआ था, 2017 में सेकंड आयुर्वेद डे जब सेलिब्रेट हुआ था तब हुआ है। मिशन इंद्रधनुष क्या क्या डिजीज है, इसका कोड के साथ तैयार रखे थे, DPTHSWM है ना। सेटेलाइट सेंटर में देखो, जैसे जो होम्योपैथी कोलकाता में था तो उसका सेटेलाइट सेंटर आ गया न्यू दिल्ली में, नरेला में। इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन का बेंगलुरु में था, उसका सेटेलाइट इंस्टीट्यूट कहाँ है, गाजियाबाद UP में, ठीक है, जहाँ पर PCIMLH, वहाँ पर यूनानी का मेडिसिन
का जो है सैटेलाइट सेंटर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन का अंदर। NIA जयपुर था, उसका पंचकुला हरियाणा में बताया था सैटेलाइट सेंटर। गोवा में आईया का सैटेलाइट सेंटर गोवा में, CCRAS ठीक है, चाहे अपेक्स बॉडी रिसर्च के लिए है, मिशन इसका यह है, ये चारों जो है इसका मिशन है। हेल्थ केयर एक्टिविटी में ये सारे हेल्थ केयर, ट्राइबल हेल्थ केयर रिसर्च प्रोग्राम, स्वास्थ्य रक्षण योजना, ये आपको याद होना चाहिए क्या क्या प्रोग्राम चल रहा है, क्या क्या NPCDCS प्रोग्राम, इस समय में डिटेल्स में बता रहे, ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए, क्या हेल्थ केयर एक्टिविटी, क्या मिशन है, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन आते रहते हैं, आप आएंगे भी, आपको ध्यान रखना है। जर्नल में जैसे मैंने जर्नल CCRS का क्या क्या जर्नल है, जर्नल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, पूरा एग्जैक्टली याद रखना चाहिए चीज़ें। एंड जर्नल ऑफ ड्रग रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस एंड जर्नल ऑफ इंडियन मेडिकल साइंस, ये तीन चीज़ें आपको अच्छे से याद होना चाहिए। CCRS, जर्नल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, जर्नल ऑफ ड्रग रिसर्च, इसमें ऐड हो गया ड्रग रिसर्च, एंड जर्नल ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज। ओके, नेशनल आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट चल रहा है, TKDL के बारे में बताया था, कितना लैंग्वेज में क्या क्या है, इसमें आयुष मिशन फॉर मेन्यूस्क्रिप्ट है ना, ये जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में ये ऑर्गेनाइज है, नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट। तो आयुष के भी बहुत चीज़ें हैं जो मैन्युस्क्रिप्ट के हिसाब से यूज होते हैं, संभाला गया है। पोषण अभियान मैंने अभी बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में, इसके सारे वीक्स वगैरह आपको याद होना चाहिए। आयुर्वेद आहार है ना, ये आपको याद होना चाहिए, आयुर्वेद आहार जो है रेगुलेशन क्या है, आयुर्वेद आहार में क्या स्पेसिफिक होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए आयुर्वेदिक आहार में। FSSAI आयुर्वेद आहार का लोगो, FSSAI आयुर्वेद आहार का लोगो होना चाहिए। आयुर्वेदिक मेडिसिन में आयुष मार्क, वो इस तरह आगे जो पढ़े थे आयुष मार्क, आयुष वीजा, ये सभी जो हुआ है वो मेडिसिन में होना चाहिए। ठीक है, कुछ डे ये याद किए थे, हर मंथ का एक एक स्टोरी था, स्टोरी के हिसाब से याद रखना है। फेब्रुआरी में कैंसर डे, फिर वैलेंटाइन वीक के हिसाब से सभी याद रखो, कंडम वीक, प्रेगनेंसी वीक, दो दो बूंद है ना, 4 दिन की कैंसर जो है, दो बूंद जिंदगी के लिए, दो बूंद जिंदगी तो पोलियो के लिए, दो बूंद है ना, दो है ना, जिंदगी जो है वो 4 दिन की है ना, ऐसे करके 4 फरवरी जो है वो कैंसर डे है ना। मार्च का जो स्टोरी है वो ओमेन का स्टोरी है, घर की लड़की का स्टोरी है, वो जैसे बताया था। अप्रैल का जो है मैंने बताया था कि अप्रैल में हेल्थ रिलेटेड हेल्थ प्रोग्राम, मलेरिया के ऊपर अवेयरनेस प्रोग्राम इसे होता रहता है, तो ये अप्रैल में वर्ल्ड हेल्थ डे इसी के हिसाब से किया था। मई में जैसे वो स्टोरी है कि वो गया था जो हॉस्पिटल गया था, अस्थमा हुआ उसका, हॉस्पिटल गया, रेड क्रॉस देखा, नर्स देखने को मिला, फिर नर्स ने ये एडवाइस दिया कि टोबाको इस महीने लास्ट तक आप टोबाको मत लेना, ठीक है। फिर नेशनल जून जो है वो छुट्टी के दिन है, चिल्ड्रन डे, एनवायरमेंटल डे, घूमने जाएंगे, योगा करेंगे। जुलाई मेंटल हेल्थ एंड अवेयरनेस मंथ है ना, पॉपुलेशन, जुली की स्टोरी मैंने बताया था इसको। अगस्त में ब्रेस्ट फीडिंग एंड पोलियो अवेयरनेस, अगस्त में सारे वीक है बस। सितंबर में ओरल हेल्थ, अल्जाइमर है ना, जो देखते ही हम दिल दे दिया, ये सभी रेटिना डे, हार्ट डे है ना, उनको 29 उनको देखते ही हार्ट दिल दे दिया, ये सारे स्टोरी मैंने बताया था, आपको याद होना चाहिए। अक्टूबर में इतने सारे डे हैं, इस सबका एक ही स्टोरी है ना, जो ओल्ड एज में ओल्डर पर्सन जो अपने मेंटल हेल्थ है ना, बस को बस नहीं मिला, चलने पड़ा, ओबेसिटी थे इसलिए ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, एनेस्थेसिया दिया गया, ऑपरेशन हुआ, ट्रॉमा हो गया ऑपरेशन केस से, फिर ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, फिर पोलियो जैसा चलने लगा ना, फिर भी उसका ऑपरेशन के बाद भी उसको राहत नहीं मिला, पोलियो जैसा चल रहा था, ठीक है। हाँ, हैंडवेज के हो बताओ, बस बताइए। नहीं अगर क्लियर नहीं आ रहा आप मैसेज कर सकते हैं। आ रहा है,
चैंपियन सर्विस सेक्टर प्रोग्राम आप मैसेज कर सकते हैं, मैं देख लूँगा। आयुष ग्रिड का ये लोगो है आपको याद होना चाहिए, NYSF का ये लोगो है, इसका क्या मोटिव है, थीम क्या है, ये सभी आपको याद होना चाहिए। आयुष AHMIS इसके बारे में पता होना चाहिए, NABH क्या है, एम योगा क्या है, वाइब्र क्या है, ये ऐप के बारे में आपको, सूर्य नमस्कार के बारे में पता होना चाहिए, आयुष उद्यम है ना इसके बारे में, जो नया स्टार्टअप इको सिस्टम उद्यम, नया स्टार्टअप इको सिस्टम उद्यम के बारे में पता है, ये प्रोग्राम ई औषधि क्या है ना, जो सर्टिफिकेशन, जो लाइसेंसिंग, जो मेडिसिन बनाते हैं उनको लाइसेंसिंग के लिए वो सभी है, CCRS स्पार्क है ना, स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेद रिसर्च के, यानी इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कब हुआ था, किसके बीच में हुआ था, 2022 में ये हुआ था, आयुष स्टार्टअप चैलेंज, इसमें तीन चीज़ें हैं जैसे मैंने बताया था, ये है आयुष फॉर फूड, आयुष फॉर बायो इंस्ट्रूमेंटेशन, आयुष IT सोल्यूशन, ठीक है, और ये है GCTM ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट इनोवेशन समिट गुजरात गांधीनगर में हुआ है, WHO GCTM ये है, आपको ये सभी चीज़ें, आयुष वीजा, आयुष मार्क, आयुष पार्क, ठीक है, SCO समिट, शांघाई कोऑपरेशन समिट, इसमें PM मोदी ने क्या बोले हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं। राष्ट्रीय पोषण माह जो है सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, ओल्डेस्ट योगा डे, नन्ना माल, मैंने बताया भी नन्ना माल ओल्डेस्ट योगा टीचर, लेकिन जो है आज के आज जो पढ़ाया उन्होंने बताता हूँ, दीक्षा, आयुष दीक्षा, दीक्षा जो है वो कहाँ हुआ था, सेंट्रल सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर में हुआ था, है ना, ह्यूमन रिसर्च में जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं उनको ट्रेन करना है, वो आयुष दीक्षा, बस आइडिया होना चाहिए, मिनिमम तो आइडिया होना चाहिए, फुल फॉर्म ये सारे हमने याद रखना है, अगोसी नाम, NPP रिसर्च क्या है, उसके रिसर्च में कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म में ये भी याद रहना चाहिए, ठीक है ना, वन हॉर वन स्टैंडर्ड वन नेशन ये मैंने बताया, याद होना चाहिए, ओडिशा रिसीव GI टैग और कंधमाल हल्दी, और आज का जो सेशन है इसमें भी याद होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, मेरे हिसाब से इसके बाहर कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, ठीक है, बाई चांस कुछ क्वेश्चन ऐसे इससे बाहर आ रहा है तो आप मुझे इन्फॉर्म करना, उसको हम देखेंगे, ओके, और आप कहीं से भी अपने डाउट्स कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं रह रहा है तो आप अपॉन है, आप कभी भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, इसमें भी ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, ये जो वीडियो वीडियो और PDF जो है वो अपलोड हो जाएगा, ठीक है, आज बोल देता हूँ अपलोड कर देंगे, ये PDF भी आपको मिल जाएगा, एक दो दिन में आपको डाउनलोड करने की ऑप्शन भी आ जाएगा, आप डाउनलोड करके प्रिंट भी निकाल सकते हैं। कुछ पूछना होगा तो आप मैसेज डाल सकते हैं। ये जो न्यू एडवेंचर है प्रताप राव गंगपात्र यादव जो है, ये रिसेंटली दो एक दो दिन ही हुआ है, इसको आप ये चीजें आपको याद रखना हो, है ना, पहले जो है मुंजापरा महेंद्र भाई ये थे, उसके बदले में प्रताप राव गणपात्र यादव, और कुछ जैसे पॉइंट है जैसे साइट कुछ ऐसे बताया, जैसे नेशनल आयुष मिशन, आप जाकर उस साइट में आपको देखना होगा था ना, दिखता कि पिक्टोरियल व्यूअर हो जाएगा, आपको ज़्यादा याद रहेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा ये, बस आपको पॉइंट मैंने सारे बता दिए, कहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको बस जाकर एक पिक्टोरियल व्यू के लिए आप जाकर साइट में, मैंने कुछ कुछ साइट का दिखा दिया और कुछ साइट आप खुद जाकर आप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से याद रह जाएगा, लॉन्ग टर्म याद रहेगा, ठीक है।
इमराड का हम देखेंगे तो इंट्रोडक्शन मेथड एंड रिजल्ट एंड डिस्कशन, आर ए रिजल्ट, रिजल्ट फॉर आर ए, आर ई नहीं है इसमें, आर ए, लेकिन इसका फुल फॉर्म जो है ना, उसका जो पॉइंट्स जो है, ये चार पॉइंट ही है, ठीक है ना, इमराड का, तो ये याद रहना चाहिए ना, इंट्रोडक्शन मेथड एंड रिजल्ट यहाँ पर गलत हो जाता है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। जहाँ पर गलती होने की चांसेस है, मैं थोड़ा ज़्यादा एम्फेसिस दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ों को नज़रअंदाज ना रह जाए इस चीज़ों का ना। कॉन्सर्ट का फुल फॉर्म क्या है? कॉन्सर्ट कौन से इसमें क्या किया जाता है, कौन से रिसर्च, कौन से टाइप के रिसर्च में किया जाता है, कॉन्सर्ट गाइडलाइन फॉलो किया जाता है? कंसर्ट गाइडलाइन जो है आरसीटी, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जो है उसको करने के लिए कंसर्ट गाइडलाइन फॉलो किया जाता है। FRLHT क्या है? FRLHT FRLST मीन्स फाउंडेशन ऑफ रिवाइटलाइजेशन ऑफ लोकल हेल्थ ट्रेडिशन, ये चीज़ आपको क्वेश्चन आना चाहिए। सूर्य नमस्कार में कितने स्टेप होते हैं? आप मैसेज भी डाल सकते हैं, ठीक है ना, सूर्य नमस्कार में कितने स्टेप होते हैं? इसमें ज़्यादा आपको पास टाइम नहीं है, आप जितने कम टाइम में कितने ज़्यादा आप याद रखोगे वो चीज़ें आप देखिए, कुछ समझ में ना आए कुछ ऐसे, हाँ 12 स्टेप होते हैं, ठीक। NABH का फुल फॉर्म क्या है? मीन्स ओनली आयुष जीके के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, कुछ भी जो भी दिक्कत है आप डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं वो चीज़ें, देखिए आपको कुछ दिक्कत ना हो, जैसे कैसे क्वेश्चन अटेंड करना है, कितने टाइमिंग होना चाहिए, कैसे राउंड फॉलो करना चाहिए, वो सभी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। आयुष जी के में भी कुछ एक दो चीज़ें वो आएंगे नहीं है ना, वो बाहर बाहर से आएंगे एक दो कुछ, जो कभी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आते हैं है ना, एक दो चीज़ें आएंगे, तो उसको आप स्ट्रेस मत लेना उस टाइम में, जो फर्स्ट राउंड में जो उसकी चीज़ें आ रहा है उसको पहले करना है, फिर उसके बाद सेकेंड राउंड में जो चीज़ें आप थोड़ा दो ऑप्शन में जो जहाँ कन्फ्यूज है या कुछ सोचना पड़ता है या मैच ऑफ द कॉलम्स है ना, बहुत मीन्स और एसर्शन रीजनिंग वाला, ये सब चीज़ें आप सेकंड राउंड में रख सकते हैं। नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ये अच्छे से याद होना चाहिए आपको, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर, NABH फॉर जो है वो हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ये भी होना चाहिए, पर एग्जैक्टली याद होना चाहिए, ऑप्शन में ये सब रहेगा है ना, ऑप्शन ऐसे ही देगा, हेल्थ केयर हॉस्पिटल या हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर, इसी तरह का। अब इतना लाइटली मत लीजिए सारी चीज़ें को, एग्जैक्टली जो है वो ही पढ़ना है, वो याद रखना है, ऑप्शन देंगे बहुत कंफ्यूजिंग वाला, इसीलिए बोल रहा हूँ, ओके।
एंड करते हैं।